देशर पोषण निरापत्ता पोषक शस्य एवं पोषण वाटिका समस्त कृषिजीवी ग्रहण करिबार आवश्यकता रही। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय आंतर्जातिक पोषक शस्य वर्ष 2023 उपलक्ष्य आरंभ होता पोषण वाटिका और वृक्षरोपण अभियान में ओयूटी कुलपति डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल। अवसर से राज्य तथा देश में पोषक शस्यर चाष एवं मूल्युक्त पदार्थ प्रस्तुत करिबारे अधिक प्रोत्साहन देवा उपरे गुरुत्वारोप करिथिले। ओयूटीर एमएस स्वामीनाथन सम्मेलन कक्षरे आयोजित सभारे 150 रु अधिक कृषक कृषिजीवी महिला छात्र छात्री तथा विश्वविद्यालय अध्यापक वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष माने योगदान करिथिले। केन्द्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर यह संबंध में देखा अभिभाषण सीधा प्रसारण देखिथिले। ढेंकानाल महिषापाट ठारे थिबा कृषि विज्ञान केन्द्र में पोषण वाटिका और वृक्षरोपण महाअभियान कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअल माध्यम रे उपस्थित रही कृषकों उद्देश्य रे निजर वार्ता रखिथिले। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी अन्यान्य अधिकारी समेत विभिन्न ब्लॉक रो चासी भाई भौणी कॉलेजर छात्र छात्री अंश ग्रहण करिथिले। कार्यक्रम ओडिशा रो समस्त जिला रे थिबा कृषि विज्ञान केन्द्र माने पालन करिथिबा बळे 5000 रु अधिक कृषक एवं कृषिजीवी महिला एहि कार्यक्रम गुडी करे अंश ग्रहण करिथिले। आमर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माने पोषक शस्य तार 2013 वर्षटा को आम पोषक शस्य दिवस हिसाब से आंतर्जातिक स्तर रे ग्रहण कराई 2023 को एवं तार मध्य शुभ उद्घाटन आमर माननीय कृषि मंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र सिंह तोमर महोदय सर्वभारतीय स्तर रे कले जोटा कि गोटे बड़ कार्यक्रम होता। यही कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम रे आमर एटिकार ढेंकानाल कृषक कृषिजीवी महिला तथा बालिका माने कृषि विज्ञान केन्द्र भितर जो ट्रेनिंग हल अच्छी ता भितर पाखापाखि 80 जन खंडे समवेत होते हैं कार्यक्रम को देखिले।